आ जाओ, मुझे आपसे भी कोई आप मुझे गुस्सा मत दिला, मुझे गुस्सा मत दिला। ना तुमने हाथ कैसे छोड़ा मुझे? नहीं तो मुझे जो परेशान कर बात कर दूंगा, करके दिखा, करके दिखा, जो करना कर पहले। सो व्हाट इज अप गाइस, दिस इज योर डीपी वॉइस दिव्यांशु, और तुम्हारा भाई वापस से ले आए कोई नहीं बेहतरीन वीडियो। तो गाइस कहते हैं ना कि मतलब औरत घर को बिगाड़ भी सकती है और बना भी सकती है। तो यार इस यहाँ पर केस थोड़ा सा वही है कि मतलब बिगाड़ने के ही कगार पे है। तो भाई ये भाई है, ये भाई मेरठ से आए हुए हैं, मतलब मुझे इन्होंने कांटेक्ट किया और मुझसे अपनी प्रॉब्लम बताई कि इन्हें ना थोड़ी सी इनकी भाभी से प्रॉब्लम है। मतलब भाई एक बार आप मुझे बता दो कि क्या प्रॉब्लम है, एक बार बता दो हमारी ऑडियंस को भी और मुझे भी। भाई ना भाभी के लिए भी जस्ट नई नई शादी हुई। हाँ कितना टाइम हुआ है शादी हुए? चार पाँच महीने। अच्छा चार पाँच महीने हुए। तो भाई थोड़ा सा तेज़ बोलो क्योंकि माइक में भी आवाज़ आनी चाहिए। तो भाई मतलब ना फिर भाभी जो है ना मतलब भाई गलत नज़र डालते हैं ऊपर। अच्छा मतलब भाई मतलब इधर टच करना उधर टच करना। अच्छा अच्छा है, मतलब भाई बड़े भैया हैं, बड़े भैया के भाई रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। हाँ अब यार इस वजह से मैं उन्हें डायरेक्टली कुछ बोल नहीं सकता, उन्हें कई बार मना भी करा है कि भाभी मतलब मुझे ये सब पसंद नहीं है, लेकिन वो नहीं फिर भी क्या पसंद नहीं है भैया को बता दूंगी, मुझे फंसा दूंगी। मतलब भाई नहीं तो ये चीज़ तुमने भैया से कही नहीं कही? भैया भैया से कैसे बोलूँगा कि भाभी क्यों नहीं, क्यों नहीं बोलोगे? जब ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है तो तुम्हारे अंदर दिमाग है कि नहीं है कि अपने भाई को बताओ या फिर अपनी फैमिली में बताओ? ट्राई करा था भाई को बताने का भी, लेकिन फिर हिम्मत भी नहीं हुई, फिर मतलब भाभी ट्राई किया था भाई कई बार, फिर भाभी भाई वो चलो ठीक है कि तुम्हारी भाभी गलत है, लेकिन ये भी तो देखो कि तुम्हें बताना चाहिए था ना कि अपनी फैमिली में बताओ या फिर अपने भाई को बताओ। मैं तुम्हें भी तो समझाऊंगा ही, अगर माना वो गलत है लेकिन तुम भी तो बताओ ना घर में, ये चीज़ बताओगे तभी तो होगा। यार तुम सहते रहोगे कैसे होगा, खुद भी तो तुम थोड़ा सा इतना तो स्ट्रांग बनो कि मतलब मैं खुद कर सकता हूँ, अपना स्टैंड खुद तो ले सकते हो, मैं कब तक कहूँगा? तुम्हारी तो मैं हेल्प कर दूंगा लेकिन फिर भी। तो गाइज यही सीन है, इनकी भाभी थोड़ा सा इन्हें छेड़ती वगैरह और गंदी नज़र डालती है जो कि भाई को पसंद नहीं है। तो यार मतलब अगर पसंद भी होता तो घर बिगड़ने वाला ही बात होती, तो यार देख लो वीडियो ऐसी ही होगी। तो भाई ये कितनी देर में आएंगी तुम्हारी भाभी? भाई 5 मिनट बोला था उन्होंने, 5 मिनट बोला था ना, चलो आने वाली होंगी। तो मैं अभी चला जाता हूँ हैं, और ये माइक अपने लगाए रखना, यहाँ पर लगा लो हैं, और क्या कहते हैं ऐसे दिखाना कि हमारे पास प्रूफ आए कैमरे में, ठीक है भाई? ये ऐसे और मैं आ जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लगा लो, पता ना चल जाए उन्हें। नहीं नहीं कोई दिक्कत। A few moments later. और कैसे हो दीवर जी? हाँ भी नमस्ते। नमस्ते, और बताओ कैसे हो? ठीक हूँ भाभी। दूर क्यों हो रहे हो, मिलने के लिए बुलाया तो? भाभी ठीक है ना? अरे इधर तो आओ। भाभी ठीक तो है थोड़ा सा। बोलो क्यों बुलाया है मिलने के लिए? ऐसे ही मैंने तो साइड ले लिया तुमने जो मैंने बोला था तुम्हें। भाभी ऐसे क्यों कर रहे हो भाभी? अरे डर क्यों रहे हो, नहीं किसी को पता चलेगा, इधर आओ पहले मेरे पास तो आओ। भाभी नहीं ना भाभी, आप तो ऐसे थोड़ा सा दूर रहो ना भाभी। तो इधर तो अच्छा नहीं लो होगी तू बताओ। हां मैंने बुलाया था तुमने। भाभी ऐसे अच्छा थोड़ी लगता बड़े। मैंने तुम्हें समझाया ना ये सब बातें, मुझे 10 बार तुमने बोला ना, तुम्हें बोला किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, थोड़ा कोऑपरेट करने में क्या जा रहा है? भाभी फिर बड़े भैया भी हैं भाभी, वो बड़े भैया नहीं पते कहते भाभी, गलत बात होता है भाभी, भाभी गलत बात होती है भाभी, ऐसे भाभी नहीं, भाभी नहीं करना चाहिए भाभी ऐसे, भाभी गलत बात होती है भाभी, भाभी भाभी गलत बात होती है भाभी, ऐसे मत करो ना। तुमने मुझे फालतू चीजों के लिए बुलाया, तुम अपने भाभी, मैं समझा रहा हूं भाभी, समझा तो भाभी, भाभी मेरी बात तो सुनो भाभी, भाभी भाभी गलत होता है, भाभी गलत होता है भाभी, ऐसे हां बोलो क्या है प्लीज भाभी, बुलाया किस लिए था भाभी, तुम क्यों ऐसे कर रहे हो? बुलाया किस लिए था? मैं इसीलिए बुलाया था भाभी यही समझाने के लिए, भाभी ये गलत है, हम बताओ तुमने क्या समझा है, ये गलत करते हैं भाभी, ऐसे नहीं करना चाहिए भाभी, कुछ गलत नहीं है भाभी, समझो ना यार। नहीं ना भाभी तुम क्यों ऐसे कर रहे हो भाभी, कुछ नहीं होगा, मेरी बात तो समझो ना, होगा मेरी बात भाभी, नहीं ना भाभी प्लीज भाभी, पहले तो भाभी बंद बोलना बंद करो मेरे को, भाभी हूँ तुम्हारे घर पे, यहाँ पर नहीं तुम्हारी भाभी, ठीक है? क्या चाहते हो, ऐसे भाभी क्या चाहते हो? भैया है ना, भैया के साथ आप करो, भैया को नहीं पता चलेगा भाभी, अच्छी बात थोड़ी होती है। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे भैया को झूठ झूठ बोलूँ कि तुम्हारा भाई नहीं? भाभी भाभी नहीं भाभी, देखो भाभी मैंने मेरी बात सुनो ना, मैं तुम्हारे भैया को फिर मैं झूठ बोलूँगी तुम्हारा भाई मुझे छेड़ता है, ये है वो। भाभी देखो भैया, भैया तो इतने अच्छे भाई, बताओ भैया को पता लगेगा उन्हें कैसा लगेगा भाभी, जाके तुम्हारे नाम पे कंप्लेंट करूँ क्या? नहीं नहीं भाभी, तुम्हारी लाइफ पूरी नहीं नहीं भाभी, हो जाएगी तुम्हें पता है ना, ऐसा मत करो भाभी, ऐसा मत करो, मेरे कहने पे तुम्हें चलना पड़ेगा इधर पहले भाभी, भाभी नहीं भाभी, मैं कह रही हूँ वो करोगे तुम, बात खत्म भाभी,
गलत बात बोला है तुमने, ये गलत होता है भाभी, मैं यही तो समझा रहा हूं। अब ये गलत बात होती है भाभी, भैया हैं, बताओ घर पे भैया को, फिर कुछ नहीं पता चलेगा भैया को, तुम कोऑपरेट करो नहीं तो फिर मैं क्या करूंगी, तुम्हारी लाइफ पूरी बर्बाद कर दूंगी। भाभी ऐसा करो भाभी, भैया है ना, आप भैया जाके बात तो करो, मुझे नहीं इंटरेस्ट, प्लीज भाभी बताओ, इंटरेस्ट है तुम्हारे भैया में तो भाभी, बात तो आओ भाभी, गलत बात है, कुछ गलत नहीं, तुम समझो, मेरे को गुस्सा मत दिलाओ, ठीक है भाभी, पहली बात तो ये भाभी बोलना बंद करो, बेबी जान कुछ भी बोलो, भाभी मत बोलो मुझे, ठीक है, गलत होता है भाभी, कुछ नहीं समझो करो, कुछ गलत नहीं होगा बेबी, कुछ गलत होता भाभी, कह रही हूं ना कुछ गलत नहीं होगा, क्यों गलत है, किसी को कोई है यहाँ पर, नहीं है, तुम किसी को बताते ना, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, बात खत्म। भाभी फिर भी भैया हैं घर पे, उनके सामने नजरें कैसे मिलाऊंगा मैं, भाभी भैया की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, भैया को बताओगे नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, फिर क्यों टेंशन ले रहे हो भाभी, कैसे पता चलेगा भाभी, गलत होता है ना भाभी, पता चलेगा, तुम समझो यार, भाभी समझो करो ना भाभी, आप प्लीज मेरे को गुस्सा मत दिलाओ, मैं तुम्हारी फालतू बातें सुनने नहीं आई, तुम्हें समझाया था ना कि जब अपना फैसला ले लो, जब मुझे बुलाना, भाभी मैं वही तो बोल रहा हूं, भाभी ये तो गलत, नहीं पता भाभी, भाभी गलत बात है भाभी, भैया देख लेंगे, फिर नहीं पता चलेगा तुम्हारे भैया को, क्यों नहीं समझ रहे, तुम पागल हो क्या भाभी, भैया को पता चलेगा, मैं तुम्हें जीने भी नहीं दूंगी, तुम्हारे भैया को जाके झूठ नहीं, भाभी भाभी ऐसा मत करो भाभी, नहीं नहीं भाभी ऐसा मत करो भाभी, नहीं भाभी 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 ये क्यों कर रहे हो भाभी, बताओ मैंने कुछ करना है, कुछ नहीं करोगे तुम भाभी, मेरे कहने पे चलोगे, गलत बात होती है भाभी, ऐसे कुछ गलत नहीं, भाभी भाभी गलत बात होती है भाभी, आप समझ नहीं रहे, बताओ भैया को पता चल गया तो फिर भाभी, कौन बताएगा तुम्हारे भैया को, मैं नहीं बता रही, कौन बताएगा, नहीं भाभी भैया को पता लग जाए, ट्राई कर दूंगी मैं, तुम्हें पता है भाभी, प्लीज भाभी, चिल्ला क्यों रहे हो तुम लोग, कौन हो तुम, चिल्ला क्यों रहे हो, कौन हो तुम, मैं तो पार्क का माली हूँ, तो चिल्ला क्यों रहे हो, अपना काम से काम रखो ना, एक आंटी ने कंप्लेंट की है, हाँ क्या, कि चिल्ला रहे हो यहाँ पे, लड़ वगैरह रहे हो, क्यों लड़ रहे हो, हमारी मर्जी, फैमिली मैटर है, तुम कौन होते हो, अरे तो चिल्ला, फैमिली मैटर है, जाके चिल्लाओ, यहाँ क्यों चिल्ला रहे हो, हाँ तो करो, बोलो तुम तो भाई, ऐसे सबके सामने भाभी अच्छा कोई नहीं, कुछ सुनो, ड्रामे मत करो, ठीक है, भाभी आप अच्छा अच्छा हाथ छोड़ो, नहीं नहीं भाभी देखो, भाभी भैया का ही फोन आ गया, देखो कोई जरूरत नहीं, भैया भैया का फोन उठाने का कोई जरूरत नहीं, अपनी बात सुनो, भैया का भी फोन आ रहा है, अभी भैया आने दो, अपने भैया का फोन, उनका तो काम ही है, उनसे तो मैं इरिटेट हो रही हो, आप कौन हो, चिल्ला क्यों रही हो और उसे मार क्यों रही हो, मेरी मर्जी में, हमारे फैमिली मैटर है, तुम्हें क्या क्या फैमिली मैटर है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम, तुम क्या फैमिली मैटर है, कौन हो, मैं जो भी हूँ मुझे बताओ क्या फैमिली मैटर, कुछ भी है हमारी बात है, तुम कौन हो, क्या सीन है भाई, बताना एक बार, क्या है बोलो, कितना बोले उसका जवाब दो मुझे, ड्रामे मत करो, भाभी है भाई, बताया था ना, भाभी है और बताओ क्या है, भाभी तो इसे मार क्यों, मेरी मर्जी मारूंगी, कुछ क्यों मारूंगी, तुम कौन हो, क्यों मारूंगी, मेरी मर्जी मैं कुछ भी करूं, मारूं तुम कौन होते हो, हाथ मत लगा, मारूंगी मैं, तुम कौन हो, जितना बोलो उसका जवाब दो मुझे, मेरा गुस्सा में एक सेकंड बताओ तो मुझे, क्या क्या किस चीज का जवाब देना, किस चीज का जवाब देना, भाई छेड़ती है भाई, भाभी बताया था आपको, क्यों ड्रामे कर रहे हो सबके सामने, तू क्या छेड़ती क्यों, तो मेरा देवर कुछ भी करो, तुम कौन हो, स्मार्ट तो तुम नहीं लग रहे, तुम तो भाभी गलत बात होती, शांत रहो, होगी ना, गलत बात होती है, ये सब छोड़ दो, पागल वक्त तुमने जितना, तुम ही आ जाओ, तुम्हें तो इसके लिए टेंशन है, तुम मेरे साथ रहो, मेरे से फालतू बकवास करो मत, और इसे छोड़ दो, क्यों छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ ना, तुम कौन हो, मैं जो भी हूँ, उस बंदे ने मुझे बुलाया, भाभी तो उस बंदे ने मुझे बुलाया, तुमने इसलिए मुझे बुलाया था क्या, हाँ भाभी ड्रामे करने के लिए बुलाया था, इतना मतलब मैं थप्पड़ मार देता हूँ, मैं थप्पड़ मार देता हूँ, तू है कौन, ये बता, मैं ये नहीं देखूंगा कौन है, तो तू है, मैं ये नहीं देखूंगा कौन है, तुझे जवाब दो, हाथ मत लगाइए उसे मेरे सामने, पार्क में ड्रामे कर रही है, यहाँ पे बोला था प्यार से बोलो, बता मुझे ना तो क्या करेगी, बता, छेड़ता है बहुत कुछ बोलूंगी, अच्छा तू कौन होता है, मैं और मैं अगर ना करने दूं फिर कौन, ये बताओ ना, मैं जो भी हूँ, मैं अभी अगर जब मैं बताऊंगा ना, जब मैं बताऊंगा पता चल जाएगा, तो जब फिर पूछने लायक नहीं रहेगी, कौन हो तुम,
मैं जब बताऊंगा ना मैं कौन हूं। तुम बोलो भाभी, मैं नहीं कर सकता। तुम्हें दिक्कत है, तुम रह लो ना। मैं क्यों रह लूं? तो शांत रहो ना। अपने हस्बैंड से खुश नहीं है क्या? नहीं खुश हूं मैं। क्यों नहीं रहना मुझे खुश? फिर शादी क्यों की थी? मैंने नहीं की, ठीक है? जबरदस्ती वाली शादी, तुम बोलो ना बेबी। हाथ मत लगा, हाथ मत लगा, हाथ मत लगा, बता रहा हूं। इधर आओ, तुमने क्या कह रही हो भाभी? बुलाया किस लिए था? मैं तो कुछ और सोच के आई थी। अगर भाभी मैं इससे क्यों डर रहा? कुछ नहीं होगा ना। तुम क्यों टेंशन ले रहे हो भाई? भाई तू खड़ा हो, बताओ क्या तुम्हें क्या दिक्कत क्या है? मुझे है? बता। क्यों उसे परेशान कर? मेरी प्रॉब्लम घर की है, कुछ भी कर। देखो भाभी, भैया का फोन आ रहा है। आने दो, तुम्हें क्या काट दो, तुम बात करते। मैं कॉल पर बता दूं क्या हरकतें कर? तुम्हें क्या मतलब है? नहीं मैं बता दूं कॉल पर क्या? तुम्हें क्या दिक्कत है? मैं बता दूंगी। मेरे हस्बैंड में कुछ भी करो, तुम्हें क्या दिक्कत? अरे तो वो थोड़ी ना तुम्हारा हस्बैंड देवर है, कुछ भी कर। हाँ तो देवर है तो देवर, देवर भाई के समान होता है। क्या हो गया? मेरा नहीं है, मेरा मैं तो कुछ भी बनाऊं, तुम्हें क्या दिक्कत है? ऐसा ऐसे छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगी मैं, क्या करती मुझसे? भाभी भैया हैं। भाभी तुम बीबी, तुम डर क्यों रहे हो? गलत बात होती है भाभी। कुछ नहीं गलत है, तुम शांत रहो। और तुम पहले तो यहाँ से जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जाओ यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम आओ, तुम डर क्यों? हाथ मत लगा। क्या बात होती है? तुम कौन हो? हाथ मत लगा। क्यों? मैं बताऊं कौन हो? मैं जो मैं जो शांत रहो। तुम अगर तुम्हें दिक्कत है तुम्हें इसकी फिक्र, तुम आ जाओ ना। मैं क्यों आ जाऊं? तो फिर शांत रहो ना। अरे पागल वागल है क्या? नशा करती है क्या? समझ में नहीं आती। छोड़ा मेरे पे हाथ? मैं बताऊँ एक और बार बताऊँ कैसे छोड़ा? बताऊँ कौन हो तुम? मैं जो भी हूँ उसे क्यों परेशान कर रही हो? मुझे मेरे पास क्यों आ रही है? तुम्हें नहीं रहना। तुमने हाथ कैसे छोड़ा? मुझे नहीं तो मुझे क्यों परेशान कर? बात कर दूंगी। करके दिखा, करके दिखा, जो करना कर पहले, जो करना करके दिखा, जो करना करके दिखा। जानता नहीं तो भी तू अभी मुझे नहीं जानती। तू है कौन ये बताना? बताता हूँ, देख वहाँ पे कैमरा लग रहा है ना, वो देख। कैमरा बंद करो। तुमने इसलिए मुझे यहाँ बुलाया था? सुन, जो भी तुमने बोला है ना पूरी रिकॉर्ड हुई है और तेरे तेरे हस्बैंड को दिखाई जाएगी। अब भैया को दिखाई? अब कर इसके साथ। कल लाइफ बर्बाद करो। अब तेरी पुलिस कंप्लेंट करवाऊंगा, देख देखती जा तू। भाई पुलिस कंप्लेंट करवानी है ना? रिक्वेस्ट कर रही, प्लीज माफ कर दो। रिक्वेस्ट नहीं, अभी अभी तो बहुत कर रही थी कि मेरी तरफ भी हो रही थी, उसकी तरफ भी, मैं भी क्यूट लग रहा हूँ, वो भी क्यूट लग रहा है, समझो प्लीज मेरे। नहीं उस बंदे का दिमाग खराब करके रखा हुआ है, उसे परेशान करे जा रही है। हाथ छोड़ रही प्लीज। लाइफ अगर अगर उसने कुछ स्टेप गलत उठा लिया फिर मुझे रियलाइज अपनी गलती का, सॉरी। रियलाइज क्या? कैमरा देखते ही रियलाइज हो गया? अभी तक क्यों नहीं हो रहा था? कितनी देर से मैं, मेरी फैमिली सब, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। वीडियो तो दिखाई जाएगी, कैसी हरकतें हैं वो पता चलनी चाहिए। निकल जा, अब चल निकल, तेरे हस्बैंड तक मैं पहुँचाऊँगा वीडियो। भाई देखो अभी ये वीडियो बना दी है, हाँ, और क्या कहते हैं, ये वीडियो तुम्हारे भाई को भी दिखा देंगे, हाँ, और फैमिली में भी दिखा देना। तो मतलब कुछ ना कुछ तो हो गई, और अगर फिर भी प्रॉब्लम आए तो ये वीडियो पुलिस तक करना, पुलिस केस कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हाँ। तुम मेरठ से ही हो ना? हाँ, तो वहाँ पर भी करवा ही दूँगा मैं, थोड़ा सा दूर है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, और टेंशन मत लेना। तो ये हाँ, तो गाइज वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और यह चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और गाइज आजकल ये मतलब हर घर घर की कहानी सी हो गई है कि मतलब कोई देवर ख़राब है, कोई भाभी ख़राब है, तो यार दिल से बुरा लगता है। तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो यूज़र नेम आ रहा है, जाकर के फॉलो कर लो। और मैं आपसे मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय।